वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है ऑन कॉजेज ऑफ कैंसर। उसके अंदर उन्होंने कई ऐसी चीजें हैं जिनको ग्रेड्स दिए, ग्रेड 1, 2, 3 और 4 कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन वो चीज है जिससे कैंसर कॉज होता है। उन्होंने बताया है कि सारे के सारे जितने भी ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव्स हैं, ये सब के सब ग्रेड 1 कार्सिनोजिन्स है, यानी सबसे डेंजरस कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस है। और साबित हो चुका है, रिपोर्ट्स मौजूद है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है औरतों में, जो आज औरतों में कैंसर जब होता है तो सबसे डेंजरस कौन सा कैंसर है, सबसे कॉमन कौन सा है, तो ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर 44% चांसेस बढ़ जाते हैं ये पिल्स पे, ये ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव्स की वजह से 44% चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। जो आप देखेंगे ये ब्रेस्ट कैंसर के ताल्लुक से कॉमन बात है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में इसका इंसिडेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू अनडेवलप्ड कंट्रीज। यहां तक का कि ईस्टर्न अफ्रीका का अगर आप देखेंगे कि हर 1 लाख में से 19 औरतों को हो रहा है, तो वही चीज वेस्ट में 89 को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव्स का कंजम्पशन ज्यादा है। ये तो हिंदुस्तान में भी काफी, हाँ इंडिया में भी आ गया है, ये कल्चर यहां पर भी कॉमन हो रहा है, तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है।